अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एक और न्यू व्लॉग के साथ मैं आपको खुशआमदीद कहता हूँ। तो आज हमारी मंडे की सुबह हो चुकी है और आज का जो व्लॉग है, हम लोग जा रहे हैं आज उर्दू वफाकी यूनिवर्सिटी, और मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त भाई कज़न आप कह सकते हैं, उनका काम है। तो आज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, इंशाल्लाह आज का जो व्लॉग बनेगा वो यूनिवर्सिटी के अबाउट बनेगा। अभी चलते हैं और यूनिवर्सिटी की जो जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह आज के रैसी का वेदर भी बहुत अच्छा है, आज बादल वगैरह आए हुए हैं तो धूप वगैरह नहीं। लास्ट जो कपल ऑफ वीक्स थे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है, बादल छाए हुए और हवा वगैरह भी चल रही है। तो आप कह सकते हैं कि आज मौसम बहुत अच्छा है। शायद आज हम लोग निकले दिन में, इसीलिए अल्लाह पाक ने हमारे से रहम कर दिया और जो वेदर है उसको नाइस कर दिया। यहाँ से यूनिवर्सिटी का रास्ता भी काफ़ी है, मतलब कि हमारे घर से एक घंटा लग जाता है जो क्रिश्चियन का कैंपस है उर्दू वफाकी यूनिवर्सिटी का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रश वगैरह नहीं होगा, मंडे और टाइम भी ऐसे है कि हम इजीली पहुँच जाएंगे। अगर रश हुआ तो घंटे से ज़्यादा लग जाएगा, तो अभी देखते हैं कि रास्ते में हमें रश वगैरह मिलता है जल्दी। बाकी उम्मीद तो ये है कि इंशाल्लाह हमें रोड वगैरह खाली मिलेंगी और हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। हमारा आ गया रेगल चौक, बहुत पुराना और कदीम चौक है ये सदर का ये चौक है। फिर रश हो ना हो लेकिन सदर में ज़रूर आता है, क्योंकि सदर जो है ये पाकिस्तान की एक कदीम मार्केट है और आप कह सकते हैं कि ये कराची का सेंटर है और तकरीबन यहाँ से हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। ये हमारा आ गया मज़ार कायद। मज़ार कायद ऐसा कोई शख्स नहीं है जो मज़ार कायद के बारे में जानता ना हो। ही इज़ आवर नेशनल हीरो, ही इज़ अ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो ऐसा कोई शख्स नहीं है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जानता ना हो और इनका जो मज़ार है इसको ना जानता हो। तो हमारे दिलों में, हमारी मोहब्बतों में ये हमारे मरते दम तक ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें आज़ाद मुल्क दिया जीने के लिए, एक आज़ाद हुकूमत। ही इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ आवर नेशनल हीरो, इट्स अ श्राइन ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। गेट है फिज़ान मदीना का, ये फिज़ान मदीना का गेट है और उसके साथ है ये अक्सरी पार्क। ये कराची का बहुत बड़ा पार्क है ये, और काफ़ी बड़े बड़े झूले लगे हैं इसमें, ये देखें। और झूले पे बैठ के तो व्लॉग बनाने का मज़ा ही अलग है, जब बंदा ऊपर चला जाता है और वहाँ से जो व्यू नज़र आता है फैंटास्टिक। तो इंशाल्लाह कभी यहाँ भी आएंगे, देखें देखा हुआ है। ये इसकी एंट्रेंस है पार्क की, अभी जो क्लोज है। तकरीबन यूनिवर्सिटी के करीब ही पहुँच गए, इंशाल्लाह 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आज इतना रश वगैरह नहीं मिला हुआ तो हम लोग ईजिली आ गए। तो टाइम भी ऐसा था कि इस टाइम रश कम ही होता है क्योंकि पीक आवर्स नहीं होते, ऐसी ऐसे में पीक आवर्स स्टार्ट होते हैं 4 और 3 बजे के बाद, तो बहुत ज़्यादा रश होता था, लेकिन इस टाइम ट्रैफिक नहीं था। तो इंशाल्लाह 5 मिनट तक हम यूनिवर्सिटी में पहुँच जाएंगे और आपको दिखाता हूँ मैं कि यूनिवर्सिटी कैसी है। उर्दू वफाकी यूनिवर्सिटी ये सामने आ चुकी है, उर्दू वफाकी यूनिवर्सिटी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। इंशाल्लाह अभी ये यू टर्न लेंगे ब्रिज के नीचे से और फिर सामने जाएँगे यूनिवर्सिटी के पास, और क्योंकि ये उस रोड पर और हम दूसरी रोड से आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह अभी ब्रिज के नीचे एक यू टर्न है वो लेते हैं और वापस बैग यहाँ पर आते हैं। और ये सामने आप देखें लिखा हुआ है वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं अभी, इंशाल्लाह आपको यूनिवर्सिटी का भी रिव्यू कराता हूँ, दिखाता हूँ, और उसके साथ साथ जो हमारा काम है वो भी कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी इंशाल्लाह। आपको यूनिवर्सिटी का रिव्यू कराता हूँ। ये छोटा सा यहाँ पर ये पार्क है और सामने भी एक डिपार्टमेंट है और एक ही डिपार्टमेंट है जिसमें हम खड़े हैं। तो काफ़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, हरियाली वगैरह भी है, दरख्त वगैरह भी लगे हैं, तो ग्रीनरी है और एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और इन्वायरमेंट भी यहाँ का अच्छा वगैरह है। कि यूनिवर्सिटी काफ़ी हवादार भी है और हवा वगैरह भी आज चल रही है। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि दरख्त वगैरह हिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा हवा भी चलती है। धूप तो होती है, धूप में तो ज़ाहरी बात है गर्मी होती है क्योंकि धूप की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि यहाँ ग्रीनरी है, तो जहाँ भी ग्रीनरी होती है तो वहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा होता है। तो ये अच्छी बात है कि काफ़ी यहाँ पर पौधे वगैरह और ग्रीनरी है, और उसके साथ साथ इस यूनिवर्सिटी में फल भी हैं। अगर आप को भूख लगी हुई है और आपको अगर खाने के लिए नहीं है तो यहाँ पर फल वगैरह भी हैं। देखिए पीछे डेट्स लगी हुई हैं, खजूरें लगी हुई हैं और सामने चीकू भी लगे हुए, ये भी मैं आपको बैक कैमरे से सही दिखाता हूँ। तो बाकी यहाँ पर केले वगैरह भी लगे हुए, काफ़ी फ्रूट्स वगैरह के जो दरख्त हैं वो भी लगे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज़ें सारी अवेलेबल हैं। तो अभी इंशाल्लाह मैं बैक कैमरा ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये वो खजूर का पेड़ है, ये देखें कि कितनी खजूरें लगी हुई हैं, खजूरों के पूरे गुच्छे लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ ये पीछे है केले का दरख्त, ये है केले का दरख्त, इस पर केले लगते हैं।
उस साइड पे भी केले का लगा हुआ था, लेकिन उस पर केले लगे हुए थे, उसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। और उसका भी एक वो सामने जो है वो चीकू का दरख्त है, ये चीकू का दरख्त है, अभी मैं आपको करीब लेके जाता हूँ। उस पर चीकू वगैरह लगे हुए हैं, तो और भी यहाँ पर बहुत सारे भी फल वगैरह हो सकते हैं, लेकिन हमने तो यही देखे। तो तीन तो फल हमें नज़र आए खाने के लिए, ये देखें, ये रे चीकू, ये चीकू लगे हुए हैं दरख्त पे, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, और दरख्तों पे भी काफ़ी मकदार में जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो लगे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी ये अभी मैं टच कर रहा हूँ, हार्ड है, जब ये चीकू सॉफ्ट हो जाता है तो खाने के काबिल होता है। अभी लगे हैं, और एक पका हुआ अमरूद है, ये उतारते और खाते हैं। ये आ गया, और ये आ गया अमरूद, और ये हमने उतार लिया, और अभी इस अमरूद को टेस्ट करते हैं कि कैसा है। ये बिल्कुल पका हुआ है, येलो हुआ है, चले हमें भी भूख लगी हुई थी तो ये हमें खाने के लिए मिल गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह भी बहुत हैं, फ्लावर्स के जो ट्री वगैरह हैं। और जो हमने अमरूद तोड़ा था, अभी इसको टेस्ट करते हैं और खाते हैं, और देखते हैं कि वाकई ये पका हुआ है या नहीं। ये तो ख़राब है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखें। अच्छा, नीचे वाली साइड से थोड़ा ख़राब था, लेकिन ऊपर वाली साइड से ये थोड़ा सही है, लेकिन वहाँ से ये कच्चा है। और जो अमरूद था, अमरूद तो ख़राब था, शायद हमने किसी विदाउट परमिशन के लिया था, इसीलिए वो ख़राब निकला। तो काम था वो हो गया, कंप्लीट हो गया। और यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी है, ये एजुकेशन भी यहाँ की अच्छी है, मैंने सुना है। मैंने तो यहाँ पर एजुकेशन ही हासिल की, लेकिन मैंने सुना है कि उर्दू यूनिवर्सिटी है जो, उसकी जो एजुकेशन वगैरह है वो काफ़ी अच्छी है। तो अभी इंशाल्लाह चलते हैं वापस घर की तरफ, और फिर इसके लोग को ये पूरी यूनिवर्सिटी, ये उसका ब्लैक वाला मेन एंट्रेंस गेट है, ये छोटा सा पार्क बना हुआ है, और उसके साथ साथ ये भी कैंपस है, और ये भी है, और इसके सामने इस दीवार के उस साइड भी यहाँ पर इसका कैंपस है। लेकिन हम यहाँ ऑफिस वाले में आए हुए थे, हमारे यहाँ काम था, तो अच्छी यूनिवर्सिटी है। और ये इनका कैंटीन है सामने, और वफाकी यूनिवर्सिटी को करते हैं बाय बाय। और मैंने पूरा यूनिवर्सिटी के अबाउट नहीं बताया, क्योंकि कुछ चीज़ें सीक्रेट होती हैं, डिपार्टमेंट्स वगैरह, तो इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। बाकी यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, तो अगर आपने भी यहाँ पर एजुकेशन हासिल करनी हो, मैंने देखा है कि यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं, मीन्स के पाकिस्तान की दूसरी सिटीज़ से भी आते हैं यहाँ एजुकेशन हासिल करने के लिए। तो आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा, और अबाउट नॉलेज भी मिलेगी। ये गुलशन में, ये गुलशन का कैंपस है, और आप कह सकते हैं कि ये जो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है ना, जो पूरे पाकिस्तान में, उनका ये हेड ऑफिस है। एवरीथिंग जो भी आपको अवाइल करनी हो, या कुछ भी इंफॉर्मेशन, डिग्री वगैरह कुछ भी लेनी हो, तो सब यहाँ से मिलता है, तो इसका ये मेन कैंपस है ये। अच्छा, जो हमने यू टर्न लिया था, यू टर्न पुल ख़त्म नहीं होता, उससे पहले कट आता है, जो ये रास्ता उर्दू वफाकी यूनिवर्सिटी की तरफ आता है, और ये इसका मेन गेट है। और जो हमारा काम था वो कम्प्लीट हो गया, अभी जा रहे हैं वापस घर की तरफ। तो ये जो ब्रिज है, ब्रिज से पहले ये कट आ जाता है, जो अंदर यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है, मतलब कि यू टर्न लेंगे, यू टर्न लेते ही आप थोड़ा सा डिस्टेंस तय करेंगे तो उल्टे हाथ पे कट आएगा, और सीधा यूनिवर्सिटी की तरफ चला जाएगा। तो मौसम अभी तक अच्छे है, आज अल्लाह पाक हमारे पर बहुत ज़्यादा मेहरबान हुआ है, तो अभी तक सूरज वगैरह प्रॉपर वे से जो होते हैं वो बाहर नहीं आया, बादल छाए में, तो मौसम अच्छा है इसका भी। हमारा गुलशन का एरिया काफ़ी अच्छा, यहाँ का इन्वायरमेंट है, और रोड्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी हैं, और रेजिडेंसी भी अच्छी है, और कमर्शियल भी है, और रेजिडेंसी भी है, दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। फ्रंट पे कमर्शियल है और पीछे रेजिडेंस है, और ऐसा लग रहा है कि आज कराची में बारिश होगी, क्योंकि जो मौसम की सूरत हाल है उससे यही हमें आइडिया आ रहा है कि आज बारिश होगी, क्योंकि बादल भी ऐसे हैं कि बारिश के मौसम जैसे हुए हैं बिल्कुल। तो इंटीरियर सिंध में बारिश वगैरह हो रही है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कराची में भी आज बारिश होगी और मौसम आज बहुत अच्छा हो जाएगा। चलते हैं पंजाब लस्सी पे, और यहाँ से पीते हैं लस्सी, और काफ़ी फेमस लस्सी है ये बंस रोड की। अभी इंशाल्लाह यहाँ से लस्सी पियेंगे और फिर चलते हैं घर पर, पंजाब लस्सी वालों की लस्सी। तो ये एरिया जहाँ पर इनकी लस्सी रेडी होती है, अभी ये लस्सी रेडी हो रही है, गिलास में डालना है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके साथ साथ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फ्रेंड्स वगैरह से शेयर करें। और अभी तो मौसम और बेहतरीन हो गया है, 4 बजे और मौसम ऐसा हो गया कि लग रहा है कि मगरिब हो रही है, तो
ठंडी हवाएं चल रही है, देखिए मेरे कपड़े कैसे उड़ रहे हैं, और बिल्कुल अंधेरा टाइप हो गया, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा आज के ब्लॉग में। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे जरूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।